नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सभी देशवासियों को एमके न्यूज परिवार की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब बात करते हैं खबरों की। राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। परेड ग्राउंड में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराती हुए सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्रभक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहां पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। ठीक है।